I have to go from Europe, Lithuania to Saudi Arabia. Well, this journey wasn't easy for me because कोई भी direct flight Lithuania से KSA नहीं जा रही थी. So I have to take multiple flights to go there. And this journey of 26 hours started from my second country and my second home. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़ान मलिक और काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा ब्लॉग बना रहा हूँ. मैंने निकलना है सऊदी अरेबिया उमरा के लिए. ठीक है, सबसे पहले मैंने जाना है वारसा, यहाँ से बस पकड़कर जो तकरीबन 7 घंटे की बस ड्राइव है, और वारसा पहुँचने के बाद मैंने दोबारा बस या टैक्सी पकड़नी है, और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने जाकर पहुँचना है वारसा के एयरपोर्ट पर. अब एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैंने उसके बाद अगली फ्लाइट पकड़नी है अपनी सुबह के 6 बजे रोम की. रोम पहुंचने के बाद तकरीबन मेरा 3 घंटे का लेओवर है, और अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को रोम नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था रोम दिखाने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं उसको चीज़ों को कवर कर सकूँ, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो सिटी से काफ़ी ज़्यादा हट कर है. मतलब आपको आते जाते हुए ही 1.5 घंटे लग जाए, तो इस सब में काफ़ी टाइम निकल जाएगा. सेकेंडली, रोम पहुंचने के बाद मेरी जो अगली फ्लाइट है 3.5 घंटे बाद, वो है जद्दा की, और फिर जद्दा से सीधा मक्का. सो प्रोबेबली आई हैव टू ट्रैवल लाइक 24 आवर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. चलते हैं. खाना मैं अपने साथ बना कर लेके जा रहा हूँ, स्नैक्स और ये बैगेट्स और ये कुछ सैंडविचेस. एज यू ऑल नो के एयरलाइंस का खाना इतना कोई खास होता नहीं है, और खास तौर पर यूरोपियन एयरलाइंस का, सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, जो कि इतना खास भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. अच्छा भाई, सफ़र जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है. अब रूट को आप लोगों ने समझते जाना है. इस वक्त मैं कॉनस में हूँ, अभी मैंने कॉनस स्टेशन पर जाना है. कॉनस स्टेशन में से मैंने बस पकड़ कर वारसा स्टेशन तक जाना है. फिल वक्त के लिए इतना ही, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो जाए. ये ज़्यादा ख्वारी इसलिए काटनी पड़ती है क्योंकि लिथुएनिया से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती सऊदी, और अगर किसी मुल्क की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती तो आपको इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में सफ़र करना पड़ता है. तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है. सो मिलते हैं बस स्टेशन पर. खैर, बस स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे सिर्फ अपनी बस का इंतज़ार था. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ विद लक्स एक्सप्रेस. द राइड वाज सो कम्फर्टेबल, सफ़र में बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, और वहाँ से निकलते हुए जो सनसेट्स और जो वहाँ के नज़ारे थे, इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन. खैर, सनसेट के नज़ारों के साथ अपनी इफ्तारी का टाइम भी करीब आता गया, और मुझे इफ्तारी करने का मौका मिला, वो भी इस व्यू के साथ. सफर को 2 घंटे बाकी थे एंड आई जस्ट टुक अ नैप, और फिर हम पहुंच गए वारसा के सेंट्रल स्टेशन. अभी मैं वारसा पहुंच चुका हूँ. मेरी अगली जो फ्लाइट है वो तकरीबन रात के, बल्कि सुबह के 6 बजे है अगले दिन. ठीक है, तो मैं तकरीबन सोच रहा हूँ कि 11-12 बजे केन पकड़कर या बस पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि 10 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद हो जाएगी, तो वो काफ़ी मुश्किल होगी. लेकिन वारसा आकर जो सिटी की एक वाइब है ना, मेन सेंटर स्टेशन पर जब मैं उतरा, तो यार वाकई में जो इस शहर के बारे में सुना था वो देखने को मिला. ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स और नई बिल्डिंग्स दोनों का मिक्सचर भी इन्होंने इस तरह किया हुआ है, और एक एक चीज़ को ऐसे संभाल कर इसका जो खूबसूरती है ना शहर की, वो बयान कर रहा है. सही कमाल का कॉम्बिनेशन मारा हुआ है. एक तरफ आपको नई बिल्डिंग नज़र आएंगी, नई बनी हुई थोड़ी स्काई स्क्रैपर टाइप, और दूसरी तरफ आपको पुरानी बिल्डिंग्स भी बीच में नज़र आएंगी. तो काफ़ी यूनिक इन्होंने टच दिया हुआ है. और ये बैटमैन वाला टावर, अगर आप लोग भाई गौथम नीड्स में, मैंने पोलैंड के हमेशा वारसा के बारे में सुना है कि जो इसका मेन सेंटर है वो काफ़ी खूबसूरत है, और वाकई वो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है. काफ़ी बिजी सी सिटी है ये. ठीक है, रश ही रश है हर जगह, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ लोग ही लोग हैं. हालांकि रात के इस वक्त मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है लोगों का. इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड है. मैं इतना कुछ पहन कर नहीं आया, सही तरह कवर करके नहीं आया. ठंड है काफ़ी, लेकिन एक्साइटमेंट में जो है ना, इस शहर को देखने की जो एक्साइटमेंट नहीं थी ना, उसमें वो ख़त्म हो गई है. जेनोसाइड इन वन फ्रेम. अच्छा भाई, करेंसी का यहाँ का बताता चलूँ. वारसा में करेंसी जलोते चलती है, यहाँ पर यूरो नहीं चलता. मुई जो है काफ़ी तरक्की याफ्ता है, और अगर मैं पोलैंड को लिथुएनिया से कंपेयर करूँ तो पोलैंड जो है लिथुएनिया से काफ़ी तरक्की याफ्ता है. आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो हैं वो ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपनीज देखने को मिलेंगी, मल्टीनेशनल. तो ये चीज़ जो है पोर्च के, ये पोर्च ओवरऑल कंट्री जो है वो काफ़ी, अगर मैं इसको लिथुएनिया से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है लिथुएनिया की बनस्बत. ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स और जो है इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, इवन के गूगल का ऑफिस आपको वारसा में यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो पोलैंड इज़ आल्सो अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन अगर मैं वारसा को लिथुएनिया से कंपेयर करूँ तो वारसा जो है लिथुएनिया से चीप है.
उसकी वजह ये है कि वॉर्सा में इनकी अपनी करेंसी है, ठीक है, और एक यूरो पता नहीं कितने जलोते बनता है, ठीक है, वो मैंने दोबारा चेक नहीं किया। तो ये जो वजह है ना कि इसकी जो अपनी करेंसी है ये इसको बाकी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा सा चीप बनाती है, जैसे अगर मैंने लिथुएनिया के साथ कंपेयर किया। भाई वॉर्सा की ये लाइफ है, काफ़ी जगमगाता, काफ़ी रोशन रोशन शहर है ये। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया है कि आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आप जाकर खाने वगैरह ट्राई कर सकते हो जो आप अपने मुल्क में मिस कर रहे हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होकर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खैर अभी तो रात हो गई, मुझे नहीं लगता कि मेरे लायक कुछ खुला होगा, ठीक है, हलाल रेस्टोरेंट्स में भी शायद बंद होने वाले हों क्योंकि 10 बजे तक यूरोप में ज़्यादातर ये होता है कि 10 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता। बहरहाल अपना इंतज़ाम मैं कर आया हूँ। खैर खाने की इतनी टेंशन नहीं है, मेन टेंशन ये है कि अगली फ़्लाइट मिस ना हो जाए, जो कि होनी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन मेन मसला ये है कि ट्रांसपोर्ट मिस ना हो जाए क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में 10 बजे तक बंद हो जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 10 या 12 बजे तक। तो कोशिश ये है कि ट्रांसपोर्ट पकड़ कर अभी एयरपोर्ट पर टाइम से निकला जाए और पोलैंड वॉर्सा फिर कभी आऊँगा फुर्सत से और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही। यार मैं वॉर्सा देखने आया था लेकिन यहाँ पर तो मुझे जगह जगह कपल्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब यार कोई और काम धंधा नहीं है, ठीक है, इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख लो खाने पकाने में लगे हुए हैं, ठीक है, दो दो तीन दिन का खाना पका कर इकट्ठा रख देते हैं, फुर्सत नहीं है, पढ़ाई पे लगे हुए हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सब चल रहा है, मतलब क्या अजीब यार। इस वक्त तकरीबन 3 बजे है और मैं पहुँच चुका हूँ चोपिन एयरपोर्ट पर, वहाँ से बस पकड़ी और फिर मैं सीधा चोपिन एयरपोर्ट आ गया। हेडफोन थोड़े से कनेक्ट किए हुए, वो सामने एक वोलन वाले भैया बैठे हुए हैं जो कब से मेरा दिमाग खा गए, बजा बजा के सांस ही नहीं ले रहा भाई, सोने दे बेचारे, थके हुए सारे। सेंट्रल स्टेशन से सीधा बस पकड़ी और मैं आगे आ गया चोपिन एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट इसलिए लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं पब्लिक स्पेस पर बैठा हूँ तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। कॉफ़ी ली थी तकरीबन 4 यूरो की कॉफ़ी, ठीक है, उस ज़रा स्वाद नहीं आया भाई, पैसे दाया। अब क्या इरादा भाई, जागने के लिए ली थी, अभी मुझे बोर्डिंग पास मिलने में तकरीबन 4 घंटे रह गए हैं और किसी का बचा रो रहा है। खैर चेक इन कराने के बाद आके 6:05 पर मेरी अगली फ्लाइट है रूम के लिए, तो स्टे ट्यून एंड वी विल मीट इन रोम एयरपोर्ट। इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनको वो पूरा करने की दौड़ में लगा रहता है, मेरी भी थी यूरोप देखने की, जो अल्लाह की तरफ से थोड़ी सही लेकिन पूरी होती जा रही है। आफ्टर सीइंग द नाइट लाइफ ऑफ वॉर्सा आई जस्ट गो टू द एयरपोर्ट, और उस वायलिन वाले ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया। आखिरकार हम उस शहर पहुंच गए जिस शहर की हिस्ट्री और इसकी पुरानी इमारतें दोनों ही काबिल जिक्र है। इस शहर को हमेशा किताबों में सुना है और ये शहर था रोम। यार इटली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है, रेसिज्म उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी बाल्टिक कंट्रीज़ और ये आगे पीछे स्वीडन जर्मनी इसमें इतना होता है, तो इनसे बात करने से इस चीज़ का पता चलता है। इटली की ख़ास बातों में से एक बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, बहुत ज़्यादा बीचेज हैं, इटली पूरा मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको कभी इटली जाना हो वो भी घूमने के लिए, तो आपको सही फुर्सत से जाना होगा, पूरा प्लान करके जाना होगा। देखो भाई ऐसे लगता है जैसे सारे कैदी बैठे हुए हैं और अभी इनकी फ़्लाइट होगी तो इनकी रिहाई होगी। देखो भाई ये अपना पास्ता वगैरह लगा कर बैठे हुए हैं, उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं जो इनके मुल्क में अपनी मशहूर है। तो इटली की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो फेमस हैं इटली में वो यहाँ पर लगी हुई हैं। खैर मुझे तो इनमें से एक के बारे में भी नहीं पता, ना कभी मैंने ट्राई की, लेकिन देखने में मज़ेदार ही लगी। और भाई मेरा तो रोज़ा है, ये देखो भाई हमने हल्का ले लिया था एयरपोर्ट, अभी हम गर्दिश कर रहे हैं ई गेट्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो गेट जो है वो उसी साइड पर बनेगा, तो फिर ई गेट वाली साइड पर ही जाकर इंतज़ार करते हैं। नींद सारी रात ही आई एयरपोर्ट में, सिर्फ जहाज़ में सिर्फ 1 घंटा सोया था, जो फ्लाइट थी वो भी टूटी फूटी नींद हुई थी। सर अब तो इंतज़ार यही है कि भाई बस पहुँच जाऊँ, जल्दी से पहुँच जाऊँ। भाई रोम के एयरपोर्ट को हल्का नहीं लेना, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है इनका, फ्यूमिनीसिनो, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इटालियन में इसको शायद कुछ और बोलते हूँ, इटालियन ही नेम है इसका, लेकिन शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। फेरेरो रोशे इज़ माय फेवरेट चॉकलेट।
भाई मेरे पांव थक गए हैं वाकई में, एयरपोर्ट बहुत बड़ा, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी गेट आया भाई, आधे घंटे से चल रहा हूँ। एक चाइनीज़ बैठी है, बैठ के सेब खा रही है मेरे साथ। हम लोग ना दुनिया को बिल्कुल वाइड एंगल, क्रिस्टल क्लियर, खुली आंखों से देख, ये लोग ना बेचारे हाफ स्क्रीन देख। वेल इफ़ आई गो टू 6 months अर्लियर, All of this was only imaginable for me. कुछ भी इतना decided नहीं था. The life was totally unscripted. और फिर उसके बाद एकदम सब कुछ ऐसे बदल गया कि जिसका सोचा नहीं था. I moved for my further studies in Lithuania. और 6 महीने हो गए मुझे यहाँ shift हुए. जब कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको फिर life का पता चलता है कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं. And he experienced the real life. So as me, I learned so many new things. बहुत कुछ सीखने को मिला. And never thought that I will meet my family so earlier. Well, everything was so sudden. सब कुछ इतना अचानक हुआ. मैंने टिकट्स खरीदी एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू गो फॉर उमरा. मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ ज्वाइन किया. फिर ये एहसास हुआ कि एक फैमिली होती क्या है. विदाउट माई फैमिली आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने टाइम पर ही अच्छी लगती है, बस हमें तो उसके लिए सब्र करना है. एंड दैट वॉज माई ट्रिप, दैट वॉज माई पीस, जो कि शायद मैं कभी ना भूलूँ. और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में मौका है तो रैदर देन वेस्टिंग योर मनी इन बैड थिंग्स, जस्ट गो फॉर द प्लेस वेयर यू विल फाइंड द रियल पीस. पीस आउट.